Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. बना रहे और ये जो सच्चाई की आवाज है ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। धन्यवाद। ये कहा गया कि ये पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। वही बात वही शब्द किसी और भाषा में किसी और वक्त में कहे गए कि परमात्मा एक है, हम सारे के सारे इनकी संतान हैं और इस नाते हम सारे के सारे एक परिवार के सदस्य हैं। दूसरे का दुख मेरा दुख, दूसरे का सुख मेरा सुख बन जाए। काश कि ऐसा माहौल ऐसा वातावरण हो। फिर किसी और समय में किसी और वक्त में यही बात इस तरह से कही गई कि लव थाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार करो, ये देख करके ये महसूस करके कि ये भी मेरे अपने परिवार का ही सदस्य है। अगर तुम्हारे घर में 36 प्रकार के व्यंजन हैं और वो भूख से बिलख रहा है तो तुम्हें रोटी हजम नहीं होनी चाहिए। इसी बात को थोड़ा और आगे गए तो इस बात को कहा गया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आज निरंकारी सतगुरु माता जी ने पावन अवतार वाणी में ये शब्द कहा, इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है। तो ये एक भाव लगातार हमें सुनने को मिल रहा है और प्रसिद्ध कवि शायर नीरज जायसवाल के ये शब्द हैं कि क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, करना पाया प्यार जो इंसान से। तो इंसान इंसान के साथ प्यार दे पाए रह पाए, कलम में बहुत बड़ी ताकत है। आप इस कलम को इन शब्दों को अपने अपने संचार माध्यमों के द्वारा ऐसी एक संदेश जो लगातार दे रहे हैं उससे दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिविटी बहुत है फिर भी लोगों को एक भारस मिलता है, एक सुख की राहत मिलती है कि हाँ कहीं पर सुख है कहीं पर आनंद है। ये सारे के सारी हलचल के बीच में भी एक आशा की किरण है जो हमारे सामने मौजूद हो सकती है। तो आइए इसके साथ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये दिन चलेगा, इसमें किस तरह का जो है प्रबंध किए गए हैं मंडल की तरफ से, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए। समागम नेम जो है वो 3 डेज का है, 3 दिन चलेगा और चौथे दिन जो है वो सामूहिक शादियां हैं। और 3 दिन में प्रभु परमात्मा की स्तुति, इसका शुक्राना कि हमने जिंदगी में क्या कह दिया, और सबसे बड़ा शुक्राना सतगुरु का जिसने हमें इस निरंकार के साथ जोड़ा है। ये संत महात्मा दूर दूर से विदेशों से आएंगे, देश के कोने कोने से आएंगे और आकर के अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमने जिंदगी में कैसे इस दर से क्या क्या पाया, क्या क्या खुशियां मिली। और जैसे आपने अभी दिलवर जी को भी सुना, कितना बड़ा शुक्राना इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, ये सिर्फ सतगुरु ही कर सकता है। और जिसका निरंकार के ऊपर विश्वास है और ये विश्वास बनता ही साथ संगत में आके और संत जनों के वचनों को सुन करके और ऐसे प्रवचन महापुरुष आकर के सुनाएंगे। यहाँ पर व्यवस्था की गई है और व्यवस्था आज से ही शुरू है, आज से ही शुरू है। जहाँ पर ये व्यवस्थाएं हुई है वहां पर एक और बात आपने सुना, एक प्रदर्शनी की बात आपने सुनी, तो उस प्रदर्शनी के पीछे महात्मा ने ये बात भी रखी कि आप वहां पर जाएंगे और देखेंगे। तो इनके बोलने के पीछे भाव क्या था, आपके जाने से क्या प्राप्त होगा, वहां से आप ठीक ठीक से देख पाएंगे। ये जो हमारा निरंकारी मिशन है वो तो किस तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। जो बाल प्रदर्शनी है उसका थीम क्या है, उसका सोच क्या है, वो क्यों रखा गया है,
आप तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चों से ही बचपन से ही एक हृदय का विकास होता है। जिस हृदय में नफरत भरा जाए नफरत पैदा होता है, प्यार भरा जाए प्यार पैदा होता है, वो आगे चलकर रहता है वैसा ही। तो यहाँ पर जितने मॉडल्स बने हैं वो एक बच्चों को हृदय तैयार करने के हिसाब से बने हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि ऐसा हृदय उनका बने न जिसमें जात हो न पात हो न ऊंच हो न नीच हो, हर जगह हमारा होता इंसानियत का बोलबाला हो, वहां पर वो आगे बढ़ने के लिए वो बनाया गया है। इसके आगे आप जाएंगे आप देख रहे हैं कि महात्मा बोल भी कहे भी अभी हमारे आदरणीय मोदी जी बात करें इस बात को कि बाहर से डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर भी आए हैं तो आप इसका ये मतलब मत समझना कि वहां पर कुछ पैसे का हिसाब किताब होता है। फ्री ऑफ कास्ट में हर तरह के बीमारी को इलाज करने का प्रयत्न किया जाता है। वहीं पर हमारा मेडिकल स्टाफ मेडिकल भी है, सेंटर भी है, हॉस्पिटल भी बने हुए हैं।